हेलो फ्रेंड्स, बेसन से बना नमकीन तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने गेहूं के आटे से बना नमकीन खाया है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं गेहूं के आटे के नमकीन की सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गेहूं के आटा का नमकीन बनाने के लिए एक बोल में 200 ग्राम गेहूँ का आटा लेंगे। आधा छोटे चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब 1/3 कप यानी कि 60 ml तेल डालेंगे मोयन के लिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर एकदम क्रम्बल हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका सख्त आटा गूंथकर तैयार करेंगे। इसका आटा हमें मटकी या नमक पारे के डो की तरह ही गूंथना है। ये हमने सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने के लिए मैंने 150 ml पानी दिया था, जिसमें से 50 ml पानी बच गया है, यानी कि हमने 100 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अब आटा को ढककर 15 से 20 मिनट का रेस्ट टाइम दे देंगे। इसे एक तरफ रख देंगे और अब नमकीन में डालने के लिए मैंने 1 कटोरी चना दाल को 5 घंटे पहले भिगो दिया था। आप इसे रात में भी सोख करके रख सकते हैं। चना दाल को साफ पानी से क्लीन कर लिया है और अब इसे छलनी में डालकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। प्लेट के ऊपर सूती कपड़ा बिछाएंगे और चना दाल को कपड़े में फैला देंगे और अब चना दाल को 15 से 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, जिसमें इसका अतिरिक्त पानी सूख जाए। 15 मिनट हो गए हैं, आटा भी सेट हो गया है। अब आटा को चकले में लेंगे और 1 मिनट तक मसल कर चिकना करेंगे। डो को चिकना करने के बाद इसे सिलेंडर से देंगे और अब डो को 7 से 8 बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। डो के टुकड़े को बोल में रखेंगे और अब एक टुकड़ा लेंगे और इसे गोल करके इसकी लोई बना लेंगे। अब लोई को बेलेंगे, इसे बिल्कुल पतला बेलना है। ये देखिए, इसे हमने बिल्कुल पतला रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे, इसे फैला देंगे और अब रोटी को फोल्ड करेंगे। नाइफ की हेल्प से इसे पतला पतला काट लेंगे। अब इन राउंड को हम खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे, इसी तरह से सारे राउंड खोल लेंगे। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे तो आप दूसरे तरीके से भी सेब बना सकते हैं। और अब दूसरी लोई लेंगे और इसे भी पहले की तरह बेल लेंगे। अब एक पिज्जा कटर लेना है, इसकी जगह आप चाकू भी ले सकते हैं। अब एक समान सेब बनाने के लिए बड़ी चम्मच को इस तरह से रखेंगे और कटर या चाकू की हेल्प से इसे काटेंगे। इस तरह से बिल्कुल पतले पतले लंबाई में इसे काटना है। काटने के बाद चाकू की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गए। अब सेब के ऊपर हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सेब एक दूसरे से ना चिपके। प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से सारे आटे से सेब बनाकर तैयार करेंगे। हमने सारे सेब बनाकर तैयार कर लिए हैं और इन्हें हमने अलग अलग प्लेट में रखा है, जिसमें ये एक दूसरे से ना चिपके। अब हमने कढ़ाई में तेल भी गर्म कर लिया है और तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। अब आटे से बने सेब को कढ़ाई में डालेंगे। एक बार में जितने सेब आसानी से फ्राई हो जाए उतने डाल देंगे। आंच धीमी या मीडियम रखेंगे और इनको पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। सेब क्रिस्पी हो गए हैं और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। जाली वाले झाड़ी में निकाल लेंगे, जिसमें अतिरिक्त तेल कढ़ाई में ही निकल जाए। प्लेट में रखेंगे और बाकी के सेब भी इसी तरह से सेंक लेंगे। ये हमने सारे सेब सेंक लिए हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो हमारे सेब बनकर तैयार हैं और अब सेब को फिलहाल के लिए एक तरफ रखेंगे। और अब हमारी चना दाल भी ड्राई हो गई है, बोल में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में चना दाल भी फ्राई करेंगे। चना दाल को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। चना दाल एकदम क्रिस्पी हो गई है। चना दाल को एक अलग बोल में निकाल लेंगे। 1 कटोरी मूंगफली डालेंगे और हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे।
मूंगफली ही चटकने लगी हैं, ये फ्राई हो गई हैं, चना दाल के साथ निकाल लेंगे और अब गैस बंद करेंगे और अब दूसरी कढ़ाई लेंगे और 2 चम्मच यानी कि 20 ml तेल डालेंगे। 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को मैंने लंबाई में काटकर इसके बीज निकाल दिए हैं और अब हरी मिर्च को क्रिस्पी होने तक तलेंगे। ध्यान रखें कि हरी मिर्च नरम होगी तो नमकीन भी थोड़े ही दिनों में नरम हो जाएगा। मिर्च को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना जरूरी है। 20 से 25 करी लीव्स डालेंगे और इनको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। आँच धीमी रखेंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1 चम्मच खसखस डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं, 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब आँच बंद करेंगे और जल्दी से सारे मसाले मिक्स करेंगे और जल्दी से इसमें मूंगफली और चना दाल डालेंगे और मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें गेहूं के आटे से बने सेव डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि सारे मसाले अच्छे से सेव में कोट हो जाएं। और ये हमारा गेहूं के आटा से बना क्रिस्पी कुरकुरा नमकीन बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये गेहूं के आटे से बना नमकीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।